अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस प्यारा उस राना जवादबाज फिर से एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ हाजिर है। आज की वीडियो में एचपी की एनवी सीरीज को कवर करेंगे। न्यू लैपटॉप है बॉक्स पैक, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कांडली वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जवाद सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। टीम सर आप सुनाए, आप ठीक हैं? अल्लाह करम ठीक हो गया। आज एक अच्छी ऑफर हम लेके हैं व्यूवर्स के लिए, पहले भी अच्छी ऑफर्स हैं। पूरा गाइस एक टेक रिव्यू होगा, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, देन आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप दरमियान से स्किप करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपकी आधी रह जाएगी, आधी मिलेगी आपको। जी कौन सा स्पेसिफिक मॉडल है हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या ऑफर है? ये अगर आप स्पेसिफिक नेम्स का पूछें तो ये है एच पी एन वी 13 बी ए 1040 सी ए। ठीक है, ये इतना बड़ा जो है इसका मॉडल नंबर आपने बताया। एग्जैक्टली एग्जैक्ट आपको मॉडल नंबर बताया है। ठीक है, तो ये इसको एचपी की दुल्हन कहा जाता है, मुझे तो दुल्हन लगती है एचपी एनवी की। नहीं खैर, इस तरह कुछ नहीं कहा जाता। अच्छा, ये अलबत्ता उसकी जो नहीं हाई एंड मॉडल्स में से एक आता है। हाई एंड मॉडल में से एक है, मतलब इतनी खूबसूरत है, मैं तो कह देता हूँ जी। बहुत प्यारी बुक है, बहुत प्यारी बुक है जी। मॉडल नेम आपने बता दिया है। मैं आपके जो नहीं बुक के बारे में डिस्कस करने से पहले जो नहीं मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि बुक लेते वक्त लोगों को क्या क्या देखना चाहिए और क्या क्या करते हैं नॉर्मली, क्योंकि मुझे बड़ा थोड़ा सा अजीब लगता है। लोग नॉर्मली क्या करते होते हैं, स्पेक्स देखते हैं बुक की, और स्पेक्स अगर उनकी पूरी उतरती हैं वो लेके चले जाते हैं बुक्स, बाकी कोई चीज़ें मद्देनजर नहीं रखते होते, उनका काम पूरा करती है नहीं करती उनको नहीं पता होता। ठीक है, अक्सर तो स्पेक्स भी प्रॉपरली नहीं देखते। अब मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले व्यूअर्स से, जब आप कोई बुक लें तो आप ये चेक कर लें कि आपकी ये बुक आपका काम सारा पूरा करती है कि नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें ना कि आप कम्यूट करते हैं घर से स्कूल तक, वहाँ जाके आपने काम करना है, तो उसमें जो कम्यूट आपकी जब आती है उसमें आपकी पोर्टेबिलिटी चाहिए होती है। पोर्टेबिलिटी में फैक्टर्स आते हैं जैसे आपका वेट, आपका साइज़ लैपटॉप का, ये दोनों बहुत ज़्यादा मैटर करते होते हैं कम्यूट करते वक्त। ओब्वियसली पोर्टेबिलिटी उठाने में किसी का वजन ज़्यादा होता है, तो अगर लाइट वेट होगा तो आप इजी टू कैरी है आपके लिए जी। और उसके अलावा जो कोडर्स होते हैं, कोडर्स के लिए देखना चाहिए उनको कि जो नहीं है उनका हाथ कीबोर्ड पर प्रॉपरली सेट होता है कि नहीं होता, कीबोर्ड जो है उसका रीजन आपके लिए सही है कि नहीं है जी। कीबोर्ड की टाइप्स होती हैं जैसे हाँ जी, क्यूवर्टी, एजर्टी, एग्जैक्टली। और उसके अलावा जो नहीं है इस तरह की चीज़ें सारी सारे देख के उसके बाद आपको अपना लैपटॉप सेलेक्ट करना चाहिए। पोर्ट्स भी होती हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप जो नहीं है एक प्रेजेंटेशन देते होते हैं नॉर्मली, और प्रेजेंटेशन के लिए आप एच डी एम आई पोर्ट यूज़ करते हैं, और आपकी जो लैपटॉप बाय करके उसके अंदर एच डी एम आई पोर्ट ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा नहीं है आपको। तो आप अक्सर ये भी जो ने देखा है कि जो नहीं है आवाम देखती है ज़्यादा 360 है, टच है, ये मैं ले लूँ, ये बहुत ज़्यादा शशके हैं वगैरह। अगर आपकी यूजेज ही नहीं है उस तरह की तो आप फ़ायदा नहीं, आप बेसिकली ओवर पैसे ओवर स्पेंड कर रहे हैं और एक्स्ट्रा चीज़ लेने के लिए इस तरह जो ऐसी चीज़ है जो आप एक दो दिन के बाद यूज़ भी नहीं कर रहे होंगे। वही चीज़ लें जो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, पहले आपका काम है बाद में शशके आते हैं। Exactly. आपने उसी चीज़ पर रहना है जो पहले आपका काम पूरा करेगी, देन आप थोड़ा सा बजट बढ़ा लें अगर आप बजट अच्छा है, बट आपने पहले अपनी रिक्वायरमेंट देखनी वो पूरी करनी है। एग्जैक्टली आप जो नहीं है बुक जब मैं रिकमेंड करूँगी, जब आपने कोई भी आपने बुक लेनी है ना तो सबसे पहले आप ये बुक को अपने सामने रखें, उसको चेक करें, चला के चेक करें कि आपको पूरी उतरती है। आप उसके ऊपर जो नहीं है सबसे पहले जो नहीं है बुक के ऊपर बाजू दोनों जो नहीं आपके पाम होने चाहिए, उससे आप चेक कर सकते हैं कीबोर्ड आपके लिए प्रॉपर है कि नहीं है। स्क्रीन की तरफ देखें, स्क्रीन आपके लिए क्या कहते हैं आंखों में ज़्यादा जोर तो नहीं पड़ रहा, आपको सूट करती कि नहीं करती, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखने के बाद आप बुक लें तो आपके लिए बेहतर रहता है। काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, रेजोल्यूशन मैटर करती है, स्क्रीन साइज मैटर करता है, पोर्ट्स आप चेक करें, हर चीज़ देखने से पहले लेने से पहले जो है देख के चेक कर लिया करें। बैटरी टाइमिंग कॉन्शियस को काफ़ी लोग होते हैं, आज की जो वीडियो है ना उसके अंदर इस लैपटॉप की ऐसी बैटरी है कि पहले किसी तरह की हमने इतनी टाइमिंग वाली बैटरी देखी नहीं है, मैंने तो नहीं देखी। इसका यूजेज जो है बड़ा ज्यादा है, वो बताएंगे आप कितना इसका यूज। हाँ जी, आगे जाके देखो, आगे जाके बताते हैं, टेक रिव्यू उसका शुरू करते हैं फिर। हाँ, जी शुरू करें बिस्मिल्लाह से। आप इतने कुछ बता दिए, आप लोगों को बताया, आप परेशान हो जाए करें कि बाद में बताते हैं, ये सब कुछ वीडियो एक अंदर के अंदर सारे हमने कवर कर। अच्छा, इसके स्टार्ट करते हैं हम, इसके जो हमने बात की थी वेट से स्टार्ट, वेट से स्टार्ट करते हैं जी। कम्यूट में क्योंकि वेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो हम इसका स्टार्टिंग में इसका वेट है अभी 1.3 kg है, जो कि बहुत माइनर सा है मैकबुक एयर के समझे मुकाबले में होता है। 13.3 इसका स्क्रीन साइज़ है और फुल साइज़ कीबोर्ड नहीं है इसके जो नहीं है, फुल साइज़ कीबोर्ड से मुराद है कि नंपैड नहीं है इसमें, नहीं है। ठीक हो गया, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें है और साथ में इसके दो पोर्ट्स आपको दी हुई हैं, यूएसबी सी की दो दी हुई हैं, यूएसबी टाइप ए। एचपी के न्यू लोगो के साथ है ये। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली एचपी के ब्रांड न्यू लोगो के साथ आया। कलर क्या है इसका? ये आपको जो नहीं है ग्रे सिल्वर कलर में, ग्रे सिल्वर कलर में ये है।
और देखें लाइट वेट है, इन्होंने वेट भी बता दिया इसका। और इसमें इसके अलावा जो नहीं, इसके प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करें तो कोर i7 11th जनरेशन के इसके अंदर प्रोसेसर है, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट मॉडल पे जाएं तो ये 1165G7 इसका मॉडल नंबर है, जो कि इसके रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर 4 कोर्स हैं, 8 थ्रेड्स हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि उसका प्रोसेसर का नाम एग्जैक्टली टाइगर लेक है और 10 नैनोमीटर का इसका प्रोसेसर है, ठीक है। ये अब साहब बेस टर्बो बूस्ट स्पीड बता रहे हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पूछती होती है। इसकी जो नहीं है बेस स्पीड है 2.8 गीगाहर्ट्ज़ और टर्बो के साथ जाता है 4.7 गीगाहर्ट्ज़। अच्छा, मैंने अभी देखा और कैशे के बारे में, कैशे इसके अंदर 12 MB कैशे है स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ। हाँ जी, अभी मैंने डब्बे के ऊपर देखा सर्टिफाइड रिफर्बिश लिखा हुआ है, तो ये क्या सीन है? मैं आगे चल के आपको बताता हूँ सर्टिफाइड रिफर्बिश, ब्रांड न्यू और रिफर्बिश में तीनों में फर्क क्या है, फर्क क्या होता है, आगे जाके बताएं। अब हम मदरबोर्ड इसका मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जी, मदरबोर्ड बताइएगा। इसके मदरबोर्ड पे एक फैन लगा हुआ है आपका छोटा साइज का, लेकिन वो इसकी हीट डिसिपेशन के लिए मोर देन इनफ है, ठीक हो गया। आगे इसके रैम जो नहीं है, इसके अंदर ऑन बोर्ड है, सोल्डर्ड है, आप रैम ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, जितनी है उतनी उतनी ही रहेगी, लेकिन रैम इज मोर देन इनफ, 16 GB रैम है, वो भी 2900 MHz की स्पीड के साथ, तो इट्स मोर देन इनफ। और एक स्लॉट है इसके अंदर NVMe का, Gen 3 तक आपको सपोर्ट करता है, उसके अंदर इसके 512 GB की SSD लगी हुई ऑलरेडी, ठीक हो गया। वो भी नहीं अपग्रेड करवा सकते हम, वो अपग्रेड कर सकते हैं, वो स्लॉट है, स्लॉट है, वो आप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कभी हमें भी नंबर दे दिया करें, अगर इनमें और मेरे में नंबर बताएं कि कौन ज़्यादा अच्छा से डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैं और ये रेटिंग करेंगे आप आउट ऑफ टर्न, ठीक है। जरूर पोल बनाएं प्रॉपरली, आप पोल बना देते हैं, अगर मैं कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगा आप उसमें बता दीजिएगा, ठीक है। फिल्म साहब अच्छा गाइड करते हैं माशाल्लाह से, पॉजिटिव फीडबैक, और थैंक यू जिस तरह से आप गाइड कर रहे हैं ना, बाकी लोग भी ट्राई करते हैं, कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन आपकी एक ज़्यादा अच्छे से कोशिश होती है जो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सर, ऐसे नहीं वीडियो पे कह रहा हूँ, वैसे भी करता हूँ अप्रिशिएट आपको। जी, इसके अंदर जो नहीं है साटा वगैरह कोई स्लॉट नहीं है, ना ऑप्टिकल ड्राइव है इसके अंदर, ओके। वो सारी चीज़ें एब्सोल्यूट हो गई हैं। आगे इसकी चलते हैं हम बैटरी की तरफ, बैटरी के हवाले से इसके अंदर 3 cell 51 Wh बैटरी है इसके अंदर, लिथियम पॉलीमर की, लिथियम पॉलीमर और आयन का तो फर्क पता होगा आपको। जी, हमारे व्यूवर्स को भी बताएं, थोड़ा मेरी भी रहनमाई हो जाएगी, थोड़ा सा फर्क बता दें लिथियम पॉलीमर और लिथियम आयन में क्या फर्क है। लिथियम आयन जो नहीं है लिमिटेड चार्जेस के साथ होता है, जबकि लिथियम पॉलीमर में ऐसा नहीं होता। पॉलीमर मुझे ज़्यादा पसंद है पर्सनली, ठीक है। उसकी वजह यह है कि पॉलीमर इतनी जल्दी खत्म नहीं होता होता, आयन थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को गाइड करें, हम जो व्यूवर्स होते हैं ना, मोस्टली मेरे साथ भी कई बार होता है, मैं लैपटॉप रात को चार्ज पे लगाया, लगा के सो गया, तो इस तरह से बैटरी पे कुछ इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता? कुछ लोग कहते हैं नहीं पड़ता, वो अगर चार्ज फुल हो जाए तो बाद में वो डिस्चार्ज ही होता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसे लगाने से, लगा के सो जाने से तो बैटरी के सेल वगैरह वो कहते हैं वीक, हाँ जी बिल्कुल वीक हो जाते हैं, ऐसा होता है? वो मुसलसल जब आप एक बैटरी को चार्ज करते हैं ऐसे, जब आप एक बैटरी को चार्ज करते हैं ना, तो वो हीट अप हो रही होती है, जब हीट पकड़ती है ना बैटरी, तो उसके लिए नुकसानदेह होता है, नुकसानदेह होता है, हाँ जी। वो क्या करती है, आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाती है, चार्ज लूज कर जाती है, ठीक है, परमानेंट चार्ज लूज कर देती है, ठीक है। बैटरी टाइमिंग की बात होगी, बैटरी टाइमिंग की नहीं बात हुई, बैटरी की बात हुई, टाइमिंग बताएं कितनी बैटरी टाइमिंग है इस लैपटॉप की? हां, इस बैटरी टाइमिंग जो नहीं है अप्रोक्सीमेटली 16 hours and 45 minutes की है, 16 hours 45 minutes, वो भी वीडियो प्लेबैक के साथ, वीडियो प्लेबैक के साथ 16 hours 45 minutes। आप HP की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा। अब इसकी स्क्रीन के बारे में बात करते रहते हैं जी। अब स्क्रीन के बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये ग्राफिक एडिटिंग के लिए बहुत अच्छी मशीन है, इसके बहुत ही प्यारे कलर्स हैं, बहुत वाइब्रेंट है और ब्राइटनेस भी बहुत प्यारी है, ठीक है। अब इसकी अगर स्टार्ट करें तो ये 1080 फुल HD डिस्प्ले है विद 60 Hz IPS डिस्प्ले है, H2H माइक्रो एच के साथ है, ठीक हो गया, क्या बात है जी। हाँ, इसमें, और उसके अलावा इसकी निट्स यानी ब्राइटनेस इसकी 400 निट्स है और 100% sRGB है, यानी बहुत वाइब्रेंट कलर्स हैं। ये पूरा पूरा टेक रिव्यू कर रहे हैं, आपको अगर समझ आ जाए ठीक है, तो मुझे तो कुछ कुछ समझ आ रही है, आप पूछिए मेरे से। कमेंट्स में बताएं वाइब्रेंट से क्या होता है, कलराइजेशन वाइब्रेंट, हाँ बेसिकली जितना ज़्यादा वाइब्रेंट होगा उतना ज़्यादा कलर्स आपको डिफाइन हो पाएंगे, ठीक है। गाइस, ये अब देखें इस तरह की जो चीज़ें हैं ये टेक्निकली होती हैं, तो हमारी पूरी कोशिश आप अपने व्यूअर्स, बल्कि आप व्यूअर्स को मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप काइंडली कमेंट में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। हाँ जी, कमेंट में हम आपका आंसर भी कर देंगे।
अच्छा इसके अलावा और बताएं इसके बारे में, हम इसकी ऑफर्स पे चलते हैं। हाँ, इस न्यू लैपटॉप के अंदर क्या ऑफर्स हैं ऐसी ताकि हम यूज़ में, मैं नहीं जा रहा, मैं न्यू में लूँगा, मुझे कैसी क्या ऑफर्स मिलेंगे? पहले मैं बताता चलूँ, ये ब्रांड न्यू नहीं है। ठीक है, ब्रांड न्यू नहीं, ब्रांड न्यू है लेकिन ब्रांड न्यू बॉक्स पैक जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। वारंटी का फ़र्क होता है, तीन तरह की चीज़ें निकालता है HP। एक निकालता है 3 ईयर्स की वारंटी के साथ, ठीक है, एक निकालता है 1 ईयर की वारंटी के साथ, और एक निकालता है 3 मंथ्स की वारंटी के साथ। 3 मंथ की वारंटी, ठीक है। जो 3 मंथ्स की वारंटी है ना, वो सर्टिफाइड रिफर्ब में होती है। अब आपके आपका सवाल होगा सर्टिफाइड रिफर्ब, तो सर्टिफाइड मुझे तो लगता है वो लैपटॉप ठीक नहीं होते सर्टिफाइड, मैं तो ऐसे समझता हूँ सर्टिफाइड नहीं, नहीं सर्टिफाइड रिफर्ब लैपटॉप ठीक होते हैं, रिफर्बिश्ड लैपटॉप जो होते हैं वो ख़राब होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। जो रिफर्बिश्ड लैपटॉप होते हैं वो क्या करते हैं, इधर से मदरबोर्ड उठाया, उससे उठाया, कीबोर्ड सब कुछ मिल मिला के एक लैपटॉप तैयार कर देते हैं। वो लैपटॉप पता नहीं कब तक चले, शाम तक चले के हफ्ते तक चले, कोई पता नहीं कब तक चले। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो जो सर्टिफाइड रिफर्ब होती है ना, वो HP की तरफ से उन्होंने ब्रांड न्यू ही लैपटॉप आपको दी हुई होती है, उसकी वारंटी कम होती है 3 मंथ्स की, और उसकी प्राइस बहुत चीप होती है। HP ने हम आपको दी हुई, वो किस तरह से दी होती है? देखिए, एक तो ब्रांड न्यू बॉक्स पैक होता है, ठीक है, ये सर्टिफाइड क्यों इसके साथ लगा दिया जाता है? अच्छा, ये मतलब एक बार इनको मतलब कहीं डिस्प्ले पीस पे लगाया होता है। मैं बताता हूँ, सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड बेसिकली वो लैपटॉप होती है जो कि HP के पास वापस गई हो, और फिर HP जो नहीं है उसकी वारंटी कम करके फिर वापस बाहर निकालता ताकि अपने लॉस को बचा सके। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल, सबसे पहली एग्जांपल जो नहीं, जो कि आम है, वो ये है कि जो नहीं है, जब भी आप देखते होंगे सुपर स्टोर, जिस तरह के हाइपर स्टार है, एम्पोरियम है, कैरफोर है, इसमें आपने देखे होंगे लैपटॉप लगे होते हैं डिस्प्ले पे, ठीक है। जब वो डिस्प्ले पे लैपटॉप होते हैं ना, वो बंदे आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करके चेक करते हैं, लैपटॉप उनको पसंद आती है तो नया बॉक्स पैक उनको निकाल के देते हैं। बॉक्स पैक तो सारे उनके निकल जाते हैं, जो डिस्प्ले पीस होता है वो तो वहाँ पर पड़ा रहता है। एट द एंड ऑफ द डे डिस्प्ले पीस का क्या होता है, वो HP को वापस रिटर्न कर दिया जाता है, और फिर HP उसको जो नहीं है, जो पार्ट्स ज़्यादा वेयर टेयर आया हो उनको चेंज करके, ठीक है, दोबारा उनको बॉक्स में डाल के सेल कर देती है, उन पे मेंशन कर देता, उन पे मेंशन कर देता है सर्टिफाइड रिफर्ब। और इनकी प्राइस बॉक्स पैक से भी कम होती है। एग्जैक्टली, जो होती है ना बॉक्स पैक की प्राइस, वो अगर 315 है तो इसकी 170-180 होती है। ठीक हो गया गाइस, ये 11th जनरेशन मॉडल है और कोर i5 है ये, और 16 GB इसके अंदर रैम है, और 256 SSD है, NVMe Gen 2। इसमें जो नहीं विंडोज 10 आपको ओरिजिनल मिलेगा होम, ठीक है, जो कि आपको जो नहीं है 16,000 की खाली की है, ठीक है, ये विंडोज 10 ओरिजिनल की के साथ आपको ये लैपटॉप मिलेगा। देखिए, न्यू में ओरिजिनल विंडोज होती है, बाकी अगर आप यूज में लेंगे उनमें क्रैक्ड वर्जन होते हैं, एक्टिवेटेड की होते हैं, वो वाले फीचर जो न्यू में होते हैं वो यूज के अंदर आप नहीं यूज। हाँ जी, और साथ में इसकी 3 मंथ्स की वारंटी है HP की तरफ से, ठीक है, 3 मंथ की वारंटी भी आपको मिलेगी। अच्छा, प्राइस तो आपने बताया नहीं है, प्राइस कितनी मिलेगी हमारे व्यूअर्स को जो RJ500 के रेफरेंस से आएगा? अच्छा, इसकी जो नहीं है रिटेल प्राइस चल रही है 175, ठीक है, 175 हमारे व्यूअर्स को भी 175। आप अगर प्रोमो कोड लेके आएंगे ना जी, जो बंदा इसका प्रोमो कोड लेके आएगा जो कि नीचे मेंशनड है, ठीक है, RJ उसको आपको, हाँ जी, उन लोगों को आपको मिलेगी 165 में। गाइस, आप RJ500 का 10,000 का डिस्काउंट प्रोमो कोड बताएंगे, देन यू विल गेट द डिस्काउंट फ्रॉम दिस शॉप एज वेल। बताएं हम कहाँ पे मौजूद हैं? हम LG140 getlaptop.pk हफीज सेंटर में मौजूद हैं। ठीक है गाइस, हफीज सेंटर लाहौर में ये शॉप है, इनका एड्रेस भी चल रहा होगा स्क्रीन पे, नंबर बताया ताकि आपसे लोग रابطہ कर सकें, 0301-416-3000। ठीक है गाइस, इनका नंबर भी चल रहा होगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत शुक्रिया फहीम साहब आज का। गाइस, आपने वीडियो देख लिया होगा, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करना है, और अगर आपको किसी मतलब कुछ टर्म्स जो हमने बोली है ना, कुछ टर्म्स इसमें आपको समझ नहीं है तो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं फहीम साहब, और मैं मेरी पूरी कोशिश होगी आपको आंसर कर सकें। तो आपका दोस्त आपका उस RJ500 FNM कंप्यूटर से फहीम साहब के साथ इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।